फिर दिस इज एडवेंचर पार्ट टू। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अंबे माते की जय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज है संडे और हम निकले हैं बहुत दिनों के बाद एक राइड पे। दिस राइड इज गोइंग टू इगतपुरी, भावली डैम टू बी स्पेसिफिक। तो दिस राइड इज स्पॉन्सर्ड बाय फैंटम ऑटो विद इज फ्रॉम नीरा रोड। और ये स्टार्ट होने वाली है नीरा रोड से, बट देन मैं थाने में रहता हूँ, तो द सेकेंड मीटअप पॉइंट इज एट थाने। सो वी हैव जस्ट रीच द मीटअप पॉइंट और बाइकर्स अभी आए नहीं हैं, जो भी हैं वो थाने के हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नीरा रोड ग्रुप टू कम सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। और ये डिस्कशन एग्जैक्टली चल रहा है कि ये बाइक कौन सी है और इसमें क्या कर सकते हैं। गाइस अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो राइडर्स आए हैं। कई सारे बाइकर्स आ चुके हैं और अब यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है, मतलब जो राइडर्स अभी ये राइड पे आने वाले हैं तो उनका कंसेंट लेटर साइन करके ले रहे हैं। और ये सब होने के बाद हम लोग थाने से निकलेंगे। द नेक्स्ट स्टॉप पॉइंट जो है वो भिवंडी बाईपास है, बिलो द ब्रिज, जहाँ पे थर्ड ग्रुप हम हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा और फिर हम वहाँ से आगे निकलेंगे। हो चुकी है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज भिवंडी बाईपास बिलो द ब्रिज। सो गाइस सारी गाड़ियाँ अभी चालू हो चुकी है, आप देख सकते हो जो आवाज़ जो आ रही है। तो गाइस अभी हमने मुंबई आगरा हाईवे पे और यही रोड नासिक जाता है, इगतपुरी जाता है, मतलब इगतपुरी जाता है फिर नासिक जाता है। गाइस अभी हम भिवंडी पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें जो भिवंडी से आने वाला है ग्रुप वो ज्वाइन हो रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ से अभी ये सिंगल ग्रुप निकलेगा टू बावली डैम विच इज इन इगतपुरी। सो वी हैव ऑलमोस्ट 100 बाइकर्स यहाँ पे। क्या बोल रहा है? या मैन लाइक कैसे है? गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी रोड छोटा होने की वजह से ये सिंगल लाइन फॉर्मेशन चल रहा है, मतलब एक के पीछे एक ही गाड़ी जाएगी, कोई ओवरटेक नहीं करेगा, कोई भगाएगा नहीं। बेसिकली हम मार्शलिंग कर रहे हैं, वी जस्ट गोना कीप अ वॉच ऑन द राइडर्स। ये जो जा रही है साईबाबा की पालकी जा रही है, ये शिरडी जाएगी चल के।
तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया, पानी भी नहीं पिया और अभी सीधा हम कसारा रुकेंगे जहाँ पे ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त किया है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, दिस इज़ वृंदावन होटल। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, ये कसारा में है और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे बावली डैम। और आप देख सकते हो एटलीस्ट 150 बाइकर्स है यहाँ पे। इस इवेंट नहीं, ये राइड नहीं है, इवेंट हो चुका है। गाइस अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया, लेकिन इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे अभी भी, आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन चालू है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और बाद में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। भाई सब सब कमी ने एक ही जगह पे जमा हो गए क्या? मैं अच्छा लड़का हूँ, ये कमी ने होंगे मेरे पर, कमी ने एडमिन है, यही है वो, और कमी ने आया नहीं हो। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बज रहे हैं अभी कितने, 12:30 हो गए क्या? तो अभी 12:30 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे हम लोग यहाँ पे थे। इतना लेट होने की वजह यह है कि काफ़ी बाइकर्स हैं और सबका ब्रेकफास्ट होते होते इतना टाइम हो ही गया। धूप तो अभी यहाँ पे काफ़ी है, तो यहाँ से और आधा घंटा लगेगा हमें बावली डैम पहुंचने के लिए, आधे से पौना घंटा। चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 12:30, धूप भाई साहब बहुत तेज है और थोड़ी देर बाद ही और तेज हो जाएगी। अभी तो चलो ठीक है, हम बाइक पे हैं, पूरी तरह से कवर्ड है और जैकेट में हवा जा रही है, लेकिन जब ही रुकते हैं ना तो ये अनबेरेबल, बहुत गर्मी होती है भाई।
सो गाइस अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं वापस। हमारा जो थर्ड ग्रुप है वो अभी आ रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ही पेड़ है और वो भी पूरा भर चुका है। सब लोग उसके नीचे रुके हैं छाव के लिए और हमारे लिए छाव है ही नहीं। तो अभी हम सोच रहे हैं क्या करें। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा एडवेंचर करने वाले हैं। आप देख रहे हो वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। ज़्यादा इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था बट लेन इट वॉज अ गुड फन। दिस इज एडवेंचर पार्ट टू। दोस्तों आप देख सकते हो ये रोड कितना खूबसूरत है। धूप बहुत तेज है लेकिन राइड करने के लिए मजा आ रहा है। जैसे मैंने कहा था ना आप रुकते हो तो बड़े साफ पसीना आता है लेकिन अगर चलते रहोगे आप कवर हो तो गर्मी होगी थोड़ी थोड़ी लेकिन हवा लग रही है। तो रोड इतना जबरदस्त है बहुत मजा आ रहा है। इस रोड से मैं पहली बार जा रहा हूँ। मतलब हम इगतपुरी गए हैं लेकिन ये अंदर वाला रोड है। हम लोग तो यहीं मगे से जाते हैं बट देन अभी अगले बार मैं जाऊंगा ना तो इसी रास्ते से जाऊंगा जस्ट टू एंजॉय दिस ब्यूटी ऑफ द नेचर। सो गाइस अभी हम घाट से ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से इगतपुरी स्टार्ट होता है। कसारा घाट आप ऊपर चढ़ते हो तो इगतपुरी स्टार्ट होता है। तो अभी ये है इगतपुरी। गाइस आप जैसे देख रहे हो गाड़ी एक बंद पड़ गई है हमारे एक राइडर की। तो ये दूसरा बंदा उसको पैर से धक्का देके लेके जा रहा है। तो लोग बेसिकली नासिक से हैं तो ज्यादा दूर नहीं है। तो देखते हैं देखेंगे कहीं पर मैकेनिक मिल जाए गैराज वाला मिल जाए तो वहां पर इन लोग बना देंगे। तो गाइस हाईवे से अभी हमने राइट ले लिया है। ये रोड जाता है भावली डैम। यहाँ से भावली डैम 6 किलोमीटर है। रोड तो काफी अच्छा है। तो गाइस आप राइट से में देख सकते हो दैट इज अ भावली लेक और यहाँ पे काफी बड़ा वाटरफॉल होता है। अभी लेकिन गर्मी है तो पानी पर सूख गया है लेकिन यहाँ से बहुत जबरदस्त वाटरफॉल होता है बारिश में। अभी हम देखते हैं यहाँ से नीचे कहाँ से रोड है जाने के लिए।
ओके सो यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं. तो दिस इज एडवेंचर नंबर 3. मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, FZ25 की है ना, इट हैज गॉट सम ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज. मतलब लगता नहीं है ऐसे देखोगे तो, बट देन अभी 4 साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड आप देखती हो मेरे वीडियो से, ठीक ठाक ऑफ रोडिंग में कर लेता हूँ इसे विदाउट एनी इश्यूज. यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं. तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं भावली लेक और आप देख सकते हो दिस इज़ अ भावली लेक और ये जो दीवार दिख रही है आपको राइट में, दैट इज़ अ भावली डैम. तो अभी पानी तो कम हो गया, जब ये पूरा भरता रहेगा, जस्ट इमेजिन ये पूरा एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी पानी रहेगा, एंटायर प्लेस. तो गाइस अभी हम लोग भावली डैम पहुंच चुके हैं. तो रोहन भाई मजा आ रहा है? गाइस गर्मी थोड़ी चालू हो रही है, अब तो फुल गर्मी नहीं है, ये हफ्ता तो बाद में खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ मिलने वाले नहीं आपको. तो आखिरी सीजन का आखिरी क्या बोलते हो माहौल हम लोग ने ले लिया है. ये लोकेशन में बाहर गर्म है पर यहाँ पे फिर भी थोड़ा ठंडा है, थोड़ा वसूल हो गया राइड आज का. इधर तो देखो थोड़ा पानी में उतरा अपना ही है ना. तो हमारे कुछ दोस्त पानी का मजा ले रहे हैं. कैसे ठंडे है गर्म है? उसको पूछो, उसको देखो, उसको पूछो. तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, सारे राइडर्स नासिक वाले नासिक जा रहे हैं, मुंबई वाले मुंबई जा रहे हैं और किसी और का कुछ दूसरा प्लान है तो वो वहाँ पे जा रहे हैं. तो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा लोग डिस्पर्स हो गए, अभी हम भी यहाँ से निकल रहे हैं. तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मज़ा आ गया आज की राइड का, बहुत नए दोस्त मिले, बस गर्मी बहुत है यार. ये अगर गर्मी नहीं होती हम लोग यहाँ पे और टाइम पास करते. दूसरी बात है यहाँ पे छाँव कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो, बिकॉज वी आर इनसाइड द लेक, यहाँ पे पानी भरता है.
दोस्तों अभी हमने बाबा जी के दर्शन लिए और अभी हम जा रहे हैं लंगर शहर की तरफ। तो लंगर अभी यहाँ पे खाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग निकल जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे लंगर खाने आए हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है सेल्फ सर्विस लेना पड़ता है, अपना पेट को दिखाना पड़ता है, ग्लास को लेना पड़ता है। कई हर बार होटल में जाके चिकन दबाना या फिर खाना अच्छा नहीं रहता, कई बार ये भी करना चाहिए खुद के लिए, मन की शांति के लिए। ये रोटी है, ये माखी दाल है, बाबा जी का प्रसाद है। सो गाइस अभी हम लंगर में से बाहर निकले, खाना हो गया, बहुत स्वाद खाना था। इट वॉज़ अ वेरी सिंपल फूड, बट होता ना जब भी मन की शांति, आत्मा की शांति होती है, तो आत्मा की शांति के लिए कभी भी ये करना पड़ता है। यहाँ पे आके आप ऐसा बहुत हम्बल फील करते हो और पता चलता है कि आप कोई इतने बड़े इंसान नहीं हो, क्योंकि आपको रोटी के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं यहाँ पे। तो आप सोचोगे मैं क्या दिखा रहा था, तो बस गुरुद्वार के पास में ही मैकडी है, डोमिनोज है, KFC है और स्टारबक्स कैफे है, कॉफ़ी है, लेकिन हमने गुरुद्वार में आके खाना खाया। तो वजह ये है, यही है कि मन की शांति, अगर मन की शांति हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये गुरुद्वारा है और इसके पास में ही ये लंगर हॉल है इनका, जो 24 घंटे चलता है। तो आप रात के 2 बजे आओ, सुबह के 4 बजे आओ, आपको यहाँ पर खाना मिलना है, क्योंकि इनका मोटो है कि नो वन शुड गो हंगरी। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अगर आप मुझे पूछते कि आज का दिन कैसा था, आई वुड से एक परफेक्ट दिन था, क्योंकि आज हमने राइड भी की, हमने ऑफ रोड किया, हमने मज़ा किया, हम गुरुद्वारे भी आए, लंगर भी खाया। तो इट वॉज़ अ कम्प्लीट एक्सपीरियंस। तो अभी हम निकल रहे हैं घर यहाँ से। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी, प्यास भी लगी थी, तो थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग ऑलरेडी शाहपुर आ चुके हैं, एक आध घंटा लगना चाहिए हमें घर पहुंचने के लिए। चलो फिर हरीश भाई, भाई अलविदा, मिलते हैं। नाइट राइड रखते हैं बॉम्बे। सो गाइस अभी हमने हमारे दोस्तों को अलविदा कह दिया है। तो गाइस ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।